नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी टॉसिस। टॉसिस यानी झुकी पलकों की बीमारी। टॉसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि आँख की जो पलक होती है वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाती है। कई बार ये एक आँख में होती है, कई बार ये दोनों आँखों में भी हो सकती है। इसके कई कारण होते हैं, कई बार पैदाइशी भी हो सकती है, कई बार बड़े लोगों में भी ये समय के साथ उम्र के कारण हो जाती है। टॉसिस के क्या लक्षण होते हैं? सबसे पहला, दिखने में आंखें छोटी और बड़ी लगना या दोनों आंखें छोटी हो जाना अगर दोनों तरफ है टॉसिस। दूसरा, नज़र पे इसका प्रभाव पड़ना क्योंकि मरीज उस आंख से देख नहीं पाता जिसमें टॉसिस है। तीसरा, एस्टिगमेटिज्म या रिफ्रैक्टिव एरर होना जिसमें कि मरीज को चश्मा लगाने की जरूरत पड़ जाती है टॉसिस के कारण। और चौथा, हेडेक होना क्योंकि मरीज अपनी माथे की मांसपेशियों को यूज़ करने की कोशिश करते हैं और जिसके कारण एक्स्ट्रा पावर यूज़ करनी पड़ती है और माइग्रेन अटैक भी आ सकता है। टॉसिस का इलाज कैसे किया जाता है? सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है जानना कि किस प्रकार का टॉसिस है। कई बार कुछ टॉसिस दवाइयों से भी ठीक किए जा सकते हैं और कुछ टॉसिस के लिए का उपचार केवल सर्जरी है। ऑपरेशन सर्जरी किस प्रकार की करनी है वो डिपेंड करता है कि मरीज को किस प्रकार का टॉसिस है। उसमें कई बार जो आँख की मांसपेशी है उसको काट के छोटा किया जाता है ताकि दोनों आँखों को मैच किया जा सके। कई बार एक आर्टिफिशियल मटेरियल जिसको स्लिंग भी कहते हैं वो भी यूज़ किया जाता है पलक को ऊपर उठाने के लिए, जो कि जिसमें इलास्टिक रिएक्शन होता है, वो स्प्रिंग की तरह एक्ट करता है पलक पर। कई बार मरीज के पैर के हिस्से से एक टुकड़ा लेके भी इसको पलक को ऊपर उठाने के लिए यूज़ किया जाता है। और जिन मरीज़ों में ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता, स्पेशली जिनमें आँख ऊपर नहीं घूमती या बहुत सूखापन हो या कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, उन लोगों में कई बार एक स्पेशल तरीके का चश्मा होता है जो कि यूज़ करा जाता है पलकों को ऊपर की तरफ रखने के लिए। टॉसिस के ऑपरेशन के बाद क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट, दवाइयाँ जैसे बताई है डॉक्टर ने वैसे की वैसे ही लेनी चाहिए। रात को सोते समय हमेशा आई ड्रॉप डालें और जो ऑपरेशन के बाद जो एक टाका लगाया होता है वो ज़रूर लगाएं। दूसरा, अगर आँखों को किसी प्रकार की चोट से बचाएं, आप एक प्रोटेक्टिव चश्मा लगा सकते हैं या रात को आई शील्ड लगा सकते हैं सोने से पहले, ताकि आँख में किसी भी तरह की चोट ना लगे। तीसरा है कि किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाएँ आँख को। चौथा है, अगर कुछ भी प्रकार की कोई इमरजेंसी होती है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके उसको परामर्श लें। टॉसिस एक सामान्य विकार है जिसको बहुत ही आसानी से सक्सेसफुली ट्रीट किया जा सकता है, तो अगर आपको ये बीमारी है तो अपने डॉक्टर से जल्द ही परामर्श करें।